स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 5 द समिट विद इन। मैं आपको इसमें से एक पैसेज करवा रही हूँ जिसके आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। ऑफ ऑल द इमोशन विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट लुकिंग ओवर मील्स ऑफ नोरिमा बिलोंग अस। ऑफ ऑल द इमोशंस, सभी भावनाएं विच सर्ज जो मेरे मन में आई थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट जब मैं एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा था, लुकिंग ओवर मील्स ऑफ नोरिमा बिलो अस और मैं नीचे की दूर तक फैली हुई दर्शावली को देख रहा था। द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिनिटी, उन सभी भावनाओं में से एक प्रमुख भावना थी ह्यूमिनिटी। ह्यूमिनिटी होती है विनम्रता। द फिजिकल इन मी समिट टू से थैंक्स गॉड इट्स ऑल ओवर, और जो मेरा आंतरिक शरीर था वो ऐसा कहता हुआ प्रतीत हो रहा था, धन्यवाद भगवान इट्स ऑल ओवर इस सभी के लिए। हाउएवर, लेकिन इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, इसकी खुशी की बजाय मेरे मन के अंदर देयर वाज एटिंग ऑफ सैडनेस, एक चिन्ह था उदासी का। सैडनेस होता है उदासी। वॉज इट्स बिकॉज आई ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, क्या इट बिकॉज यह इसलिए था, आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग कि मैं चढ़ाई कर चुका था। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और अब चढ़ने के लिए कुछ नहीं था। एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, और अब नीचे इस स्थान से नीचे जाने आगे का जो मार्ग था वो नीचे जाने का था। बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्ड बाई ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने के बाद यू हैव ओवरवेल्मड, आप अभिभूत हो जाते हो बाई ए डीप सेंस, एक गहरी भावना ऑफ जॉय, खुशी की, एंड थैंकफुलनेस और एक आभार की भावना से। इट इज ए जॉय, यह खुशी थी, विच लिस्ट ए लाइफ टाइम, जो जीवन भर पर नहीं रहने वाली थी। द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली, जो अनुभव था वो आपको पूरी तरह बदल देता है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन इज नेवर द सेम अगेन, जो व्यक्ति माउंटेन पर एक बार चढ़ाई कर लेता है वो फिर से पहले जैसा नहीं रहता। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एज जब आई लुक बैक, जब मैं जीवन की तरफ मुड़ कर देखता हूँ क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट कर के शिखर पर चढ़ने के बाद, आई कैन नॉट हेल्प रिमेनिंग अबाउट द अदर समिट, तो मैं दूसरे शिखर की बात करता हूँ जो क्या है, द समिट ऑफ माई माइंड, जो मेरे मन के अंदर का शिखर है। नो लेस फॉर मिड एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, जिसकी चढ़ाई करना आसान नहीं है क्योंकि वह चुनौती से भरा हुआ है, चुनौतीपूर्ण है। इवन वेहन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एग्जर्शन हैड गोन, यहाँ तक कि गेटिंग डाउन उतरते समय, फ्रॉम द समिट शिखर से उतरते समय, वंस द फिजिकल एग्जर्शन ऑफ हैड गोन, जो थकान थी, एग्जर्शन होते हैं थकान, फिजिकली शारीरिक स्थान थकान वो उतर गई थी। आई बैग Asking myself the question, और मैंने अपने आप से प्रश्न करना शुरू किया, वाई आई हैड क्लाइंबिंग एवरेस्ट, की मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की, वाई क्यू डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैड सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, और जो कार्य था चढ़ाई का, शिखर पर चढ़ाई का जो कार्य था उसने मेरे मन के अंदर, मेरी कल्पनाओं में पकड़ कैसे बनाई। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंक ऑफ द पास्ट समथिंग डन यस्टरडे, ये भूतकाल की बात थी जो कल हो चुकी थी। विद एवरी पासिंग डे, हर गुजरते हुए दिन के साथ, इट्स वुड बिकेम मोर रिमोट, यह और अधिक दूरस्थ हो जाएगी, रिमोट होता है दूरस्थ। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और तब क्या शेष रह जाएगा, वुड माई मेमोरी फेड स्लोली अवे, और जो वुड माई मेमोरी, जो मेरी यादें हैं, फेड स्लोली अवे, वो धुंधली हो जाएगी।